गुरुग्राम से एक अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल एक्सपो के दूसरे एडिशन का समापन कार्यक्रम है और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। बड़े लिमिट तक सबसे पुराना दिल्ली का ट्रेड फेयर ऑटो एक्सपो, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के छोटे छोटे मेले लगते हैं, जैसे हरियाणा का सूरजकुंड मेला है, अब उसको हमने दिवाली मेला भी बनाने का 7 दिन का काम किया। मगर स्पेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, कैसे अलग 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 लोगों को जो एक ट्रेड से जुड़े हैं उसको प्रांगण में लाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे भी रहे। पर पिछले एक दशक से आप जैसे लोगों ने, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने जुड़कर जो ये कदम उठाए कि ऐसे मेले लगाए जाए, उसका सबसे अधिक लाभ किसी को मिला तो हमारे एमएसएमई सेक्टर को। बढ़िया हुआ उद्योगपति तो जहाज पकड़ता है, जापान में ट्रेड फेयर है, जर्मनी में ट्रेड फेयर है, अमेरिका में ट्रेड फेयर है, दुनिया के किसी कोने में ट्रेड फेयर होता है, वो अपनी प्रोडक्ट लेता है, चार्टर्ड प्लेन करता है, चला जाता है। पर हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास दिल्ली के ट्रेड फेयर की क्षमता नहीं, आज जो अवसर आपने बनाया है, मैं ये विश्वास के साथ दिला सकता हूँ, आज आपके 4-5 छोटे छोटे हैंगर हैं, आप इसको एक रेकरिंग इवेंट बनाइए। अब तो हम स्टेट से भी इसको सपोर्ट करते हैं, एमएसएमई साइड से, आप इसको रेकरिंग इवेंट बनाइए और आप देखिए कि गुड़गांव की इंडस्ट्री में टेक्निकल एडवांसमेंट किस हद तक आप लाने का काम। और आने वाले समय में ये हो जाएगा कि नॉर्थ इंडिया और गुड़गांव की इंडस्ट्री से जुड़े लोग नहीं, फिर आपको केरला से मसाले वाले आके भी यहां मिले, फिर आपको तमिलनाडु से कपड़े की प्रोडक्शन वाले आकर भी मिले, और धीरे धीरे फिर आपके ऊपर इतना लोड आ जाएगा कि फिर एक्सपो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये फूड एक्सपो हो गया, ये ऑटो पार्ट एक्सपो हो गया, ये मोल्डिंग का एक्सपो हो गया, और एक चीज तो आप कल शुरू कर दीजिए, वो अपने आप पैसे दे के जाएंगे आईटी वाले, एक एक्सपो उनका भी हमें लगाना चाहिए। और मैं मानता हूं वो जब सिमिलर माइंड गेट टुगेदर की जो फिलॉसफी है, जब वो इकट्ठित होते हैं तो न्यू इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। हमारा भी प्रयास रहा है, पिछले 4 वर्षों के अंदर हमने कदम उठाए, डिगरा जी की एजेंसी है, हमने ईवी पॉलिसी लाई। लोग कहते थे ईवी पॉलिसी में गाड़ियां नहीं बिकेंगी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो हमने 3 साल की प्रोजेक्शन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सोच रखी थी कि हम 3 साल में इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडाइज या कुछ इंसेंटिव के साथ स्टेट में देंगे, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 9 महीने में खरीदने का काम। इसका मतलब तो वो जो सोच थी उसको एक किक स्टार्ट मिली। हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है, जैसे ही हमने स्कीम अनाउंस करी, जो हैंडलूम सेक्टर पानीपत का था, अब वो करनाल में, जींद में, सोनीपत में अपना एक्सपेंशन प्लान कर लिया। आज जो हमारी हीप है, हरियाणा एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, उस हीप 2020 के अंदर जब हमने इंसेंटिव अनाउंस करे तो हमने एक टारगेट लिया कि हरियाणा प्रदेश में हम 30,000 करोड़ 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने का काम करें। और आज लास्ट हमारी हाई पावर की बैठक के बाद मैं आपके साथ खुशी के साथ साझा कर सकता हूं कि हम पिछले 3 सालों में हीप 2020 के अंदर भी हरियाणा प्रदेश में 40,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करता है।
दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10 लाख गाड़ी प्रतिवर्ष यहां प्रोड्यूस होगी, वो आपके खरखोदा के अंदर एस्टैब्लिश होगी। एशिया का सबसे बड़ा 7 मंजिल ऊंचा ई कॉमर्स वेयर हाउस अगर कहीं बन रहा है तो ये पाटली आदिपुर मानेसर को क्रॉस करते फ्लिपकार्ट बना रहा है।